हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है मुगल एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकबर पॉलिसी से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले कल के वीडियो हम लोग कवर किए थे, आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो कहा जा रहा है कि द ब्रॉड फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेर लेड डाउन बाई अकबर एंड वेर एलिबरेटली डिस्कस्ड बाई अबुल फजल इन हिज बुक। तो जो भी अकबर के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए जो भी फीचर उसका था, मतलब जो भी अकबर के रीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर है उसके शासनकाल का, उसको एक बुक में लिखा गया अबुल फजल के द्वारा, जिस बुक का नाम है अकबरनामा, जो आयन अकबरी का लास्ट, मतलब कि तीन फेज में जो आयन अकबरी था, तीन वॉल्यूम में जो था उसका लास्ट वॉल्यूम है अकबरनामा। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबा। तो अबुल फजल के द्वारा कहा गया कि एम्पायर को डिफरेंट प्रोविंस में बांटा गया, इसको सूबा कहते थे। गवर्न बाई सूबेदार, तो सूबा का जो हेड होता था उसको सूबेदार कहा जाता था। वो कैरीड आउट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन, सूबेदार का मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों तरह का फंक्शन हुआ करता था। ईच प्रोविंस हैज ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, तो हर एक प्रोविंस का यानी कि हर एक स्टेट का अपना एक दीवान होता था जो वहाँ का फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में वर्क करता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस द सूबेदार वाज सपोर्टेड बाय द अदर ऑफिसर्स। तो कहा जा रहा है कि सूबेदार को सपोर्ट करने के लिए और भी उसके जूनियर ऑफिसर भी हुआ करते थे, सच एज मिलिट्री पे मास्टर बक्सी। तो जैसे मिलिट्री पे मास्टर मतलब मिलिट्री सपोर्टर होता था उसको बक्सी बोला जाता था। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रोन सदर, तो जो भी रिलीजियस फंक्शन देखता था उसको सदर बोला जाता था। मिलिट्री कमांडर उसको फौजदार बोला जाता था, और जो टाउन पुलिस होता था उसको कोतवाल बोला जाता था। आज भी लगभग ऐसा वर्ड जो है कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नूरजहां इन्फ्लुएंसिंग जो है जहांगीर कोर्ट, जहांगीर की कोर्ट में जो है नूरजहां का क्या इन्फ्लुएंस था, तो मेहरू निशा मैरिड द एम्पायर जहांगीर इन 1611 रिसीव द टाइटल नूरजहां। तो कहा जा रहा है कि मेहरू निशा जो है उसका नूरजहां का पहले नाम मेहरू निशा था, जो जहांगीर के साथ शादी की और 1611 में उसको टाइटल मिला नूरजहां का, उसका नाम बदला गया। सी रिमेंड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द मोनार्क, राजा के प्रति काफ़ी ज़्यादा सपोर्टेड थी, सपोर्टिव थी मतलब राजा को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती थी, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थी। एज अ मार्क ऑफ ऑनर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर क्वाइन बेरिंग हिज ओन टाइटल ऑन ऑन साइड अदर द इंस्क्रिप्शन स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहां। तो नूरजहां के मतलब कि ऑनर में, मतलब उसको एक तरह से उसके सम्मान में नूर जहांगीर के द्वारा एक सिक्का जारी करवाया गया था जिसमें एक तरफ उसका अपना फोटो हुआ करता था और एक तरफ नूरजहां का हुआ करता था। द एडजॉइनिंग डॉक्यूमेंट इज एन ऑर्डर ऑफ नूरजहां, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट दिखाया गया ये उर्दू में लिखा गया इसलिए हम लोग नहीं पढ़ सकते, मतलब कि हम नहीं पढ़ सकते। और यहाँ पे ये बताया गया है कि एक फरमान था, फरमान एक्चुअली एक ऑफिशियल ऑर्डर हुआ करता था। द स्क्वायर सील स्टेट कमांडर ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां पदशाह बेगम। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो स्क्वायर शेप में बताया गया इसमें दिखाया जा रहा है कि ये स्टेट का मुहर है, और इसमें दिखाया गया कि किस तरीके से नूरजहां जो मतलब कि उसकी मेजेस्टी में कहा जा रहा है कमांड एंड हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां पादशाह बेगम। तो जैसे नूरजहां का जो भी ऑर्डर है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है ऑफिशियल सील के साथ। द राउंड सील स्टेट बाय द सन ऑफ शाहजहांगीर सी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून में नूरजहां पादशाह बी द लेडी ऑफ द एज। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सील में भी इस बात को मतलब नूरजहां के प्रेज में इसमें लिखा गया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो कहा जा रहा है कि अकबर का जो नोबल था, मतलब अकबर के जूनियर जो लोग थे उनके पास बड़ा बड़ा आर्मी हुआ करता था और बड़े अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। व्हाइल दे वर लॉयल द एम्पायर फंक्शन इफिशियंटली बट व्हेन द एंड इन 17th सेंचुरी मैनी नोबल हैड बिल्ट इंडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ देयर ओन। तो कहा जा रहा है जब तक नोबल लोग जो थे, ठीक है, नोबल लोग जब तक फंक्शन मतलब कि लॉयल थे एम्पायर के प्रति, राजा के प्रति जब तक वफादार थे तब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 17th सेंचुरी के अंतिम होते होते अधिकांशतः नोबल जो है अपने आप मतलब कि अपना नेटवर्क बना लिए, अपना साम्राज्य अपने अलग बनाने लगे। देयर लॉयलिटी टू द एम्पायर वेर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। तो कहा जा रहा है कि जो नोबल थे उनका सेल्फ इंटरेस्ट के कारण एम्पायर के प्रति उनका नोबिलिटी लॉयलिटी यानी कि उनका वफादारी खत्म होता गया। व्हाइल अकबर वाज एट फतेहपुर सिकरी एट द 1570 ही स्टार्टेड डिस्कशन रिलीजन विद उलेमा ब्राह्मण्स जेसस प्रीस्ट हुवर रोमन कैथोलिक्स एंड जोरास्ट्रियंस। तो कहा जा रहा है 1570 में फतेहपुर सिकरी में जो है अकबर डिफरेंट रिलीजियन मैटर पर डिस्कस करना चालू किया। उलेमा जो मुस्लिम के मतलब कि हेड होते थे, ब्राह्मण्स जीसस प्रीस्ट और जोरास्ट्रियंस यानी पारसी लोगों के साथ, दिस डिस्कशन टूक प्लेस इन द इबादत खाना। तो ये डिस्कशन जो था इबादत खाना में होता था, यानी इबादत खाना एक ऐसा जगह था जहाँ पे अकबर जो है डिफरेंट रिलीजियस लीडर के साथ बातचीत करता था। ही जो इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। तो डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट लोगों के सोशल कस्टम में क्या था इसमें वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। अकबर इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट सच रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फसाइज रिचुअल एंड डोगमा वेयर ऑफन बाय गॉड्स। तो डोगमा किसको बोलते हैं, एन स्टेटमेंट और इंटरप्रेटेंस डिक्लेयर अथॉरिटी विद एक्सपेक्टेशन डेट विट फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। तो डोगमा एक ऐसे मतलब इंस्ट्रक्शन को बोलते हैं
जिसको बिना कोई क्वेश्चन किए फॉलो करें, मतलब कि डोगमा में जो कुछ भी बोला गया है उसको लोग सुने तो उसको डोगमा बोलते हैं, उस पर कोई सवाल ना उठाए कि आखिर क्यों ऐसा किया। बायगोट क्या है? एन इंडिविजुअल हु इज टू इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन रिलीजियस बिलीफ और कल्चर। बायगोट उसको बोलते हैं जो दूसरे धर्म के प्रति मतलब कि नफरत की भावना से देखता है, इंटॉलरेंट है उसके प्रति, थोड़ा भी दूसरे धर्म के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको बायगोट बोलते हैं। तो यहाँ बताया गया कि अकबर इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर हु एम्फसाइज रिचुअल एंड डोगमा वेर ऑफन बायगोट्स, देयर टीचिंग क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसहार्मनी अमंग हिज सब्जेक्ट। तो कहा जा रहा है कि अकबर के द्वारा रियलाइज किया गया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो डोगमा इशू करते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि कहने का मतलब कि रिलीजियस लीडर बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनको पर कोई क्वेश्चन उठाए, लोग उसके फॉलो करें और खुद बायगोट हो करते हैं, बायगोट करने मतलब दूसरे धर्म के प्रति नफरत देखते हैं। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह इक्वल और यूनिवर्सल पीस। तो इसी को मतलब कि इससे कारण इसको देखते हुए अकबर एक नया आइडिया लाया जिसका नाम रखा सुलह इक्वल या फिर यूनिवर्सल पीस, यानी दुनिया में शांति कायम हो। दिस आइडिया ऑफ द आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिडंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिल्म। तो कहा जा रहा है कि ये आइडिया ऑफ टॉलरेंस जो था ये मतलब कि डिफरेंट धर्म के लोगों प्रति कोई भी डिफरेंस नहीं करता था। इंस्टीट इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ इथिक्स ऑनेस्टी जस्टिस पीस दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अबुल फजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड हिज आइडिया ऑफ सुलह कुल। अबुल फजल जो था अकबर को मदद करता था सुलह कुल को मतलब कि सुलह कुल को आगे बढ़ाने में, सुलह कुल के हिसाब से गवर्नेंस करने में। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। तो कहा जा रहा है कि ये जो प्रिंसिपल था जहांगीर और शाहजहां के द्वारा मतलब कि फॉलो किया गया। यहाँ पे दिखाया है किस तरीके से इबादत खाना में बातचीत किया जा रहा है डिफरेंट धर्म के लोगों के द्वारा, है ना। आगे पढ़ते हैं सुलह कुल के बारे में। तो जहांगीर जो अकबर का बेटा था अपने फादर के पॉलिसी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो एज इन वाइड एक्सपेंस ऑफ डिवाइन कंपेशन देयर इज रूम फॉर ऑल क्लास एंड फॉलोवर ऑल क्रीड। तो कहा जा रहा है कि इतने मतलब कि इतने डिवाइन लोगों में, ठीक है, मतलब कि इतने जो डिफिनेट अलग अलग तरह के लोग हैं उनके बीच में एक रूम है कि जहाँ पे हर क्लास के लोग, हर फॉलोवर के लोग आते हैं। इन हिज इंपीरियल डोमिनियंस विच ऑन ऑल साइड वेयर लिमिटेड ओनली बाय द सी देयर इज रूम फॉर प्रोफेसर ऑफ अपोजिट रिलीजन्स एंड फॉर बिलीव्स गुड एंड बैड एंड द रोड टू इंटॉलरेंस वाज क्लोज्ड। सुन्नी एंड सिया मेट इन वन मॉस्क एंड क्रिश्चियन एंड ज्यूज इन वन चर्च टू प्रे। तो कहा जा रहा है कि सुन्नी और सिया दोनों एक ही मॉस्क में नमाज पढ़ते थे, उसी तरह से क्रिश्चियन जो डिफरेंट तरह के होते हैं वो लोग एक ही जगह प्रे करते थे। ही कंसिस्टेंटली फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल पीस, यानी सुलह कुल, ठीक है। यहाँ पे भी दिखाया गया कि अकबर कमीशन द ट्रांसलेशन ऑफ मैनी संस्कृत वर्क इन टू पर्शियन। तो अकबर के द्वारा कई संस्कृत के जो यहाँ पे ग्रंथ थे उसको पर्शियन में यानी कि फारसी में चेंज कराया गया। अब मकताब खाना और ट्रांसलेशन ब्यूरो वाज आल्सो एस्टेब्लिश्ड फतेहपुर सिकरी फॉर द पर्पस। इस पर्पस के लिए एक स्पेशल ब्यूरो एस्टेब्लिश किया गया था, ट्रांसलेशन ब्यूरो, जिसका नाम था मकताब खाना। द महाभारत रामायण इलावती एंड योग वशिष्ठ वेयर सम ऑफ द नोटेबल संस्कृत वर्क दैट वर टेकन अप ट्रांसलेशन। तो महाभारत रामायण ऐसे भी किताबों का वहाँ पर ट्रांसलेशन कराया गया था। राजमनामा पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत कंटेन लाइवली इलस्ट्रेशन ऑफ इवेंट ऑफ महाभारत। तो महाभारत का एक पर्शियन ट्रांसलेशन है जिसका नाम है रजमनामा, ठीक है, रजमनामा नाम है इसका महाभारत के पर्शियन ट्रांसलेशन का, ठीक है। आगे पढ़ते द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो 17th सेंचुरी में और उसके बाद मुगल एम्पायर किस तरीके रहा उसके बारे में लोग पढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री इफिशियंसी ऑफ मुगल एम्पायर लेड द ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री इफिशियंसी मुगल एम्पायर का काफ़ी ज़्यादा था जिसके कारण से इकोनॉमिक और कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी आया कंट्री में। इंटरनेशनल ट्रेवलर डिस्क्राइब इट एज द फेवल लैंड ऑफ वेल्थ। इंटरनेशनल ट्रेवलर के द्वारा इसको मतलब कि काफ़ी अमीर जगह के रूप में दिखाया गया। बट दिस सेम विजिटर वी ऑल्सो अपील दैट स्टेट ऑफ पॉवर्टी डेट एग्जिस्ट साइड बाई साइड विद ग्रेट ऑपुलेंस। तो कहा जाए लेकिन यहाँ पे यह भी दिखाया गया है कि साथ ही यहाँ पे गरीबी भी बहुत ज़्यादा था। द इनइक्वलिटीज वी आर ग्लेरिंग, यहाँ पे इनइक्वलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा था, आज भी इनइक्वलिटीज है। इनइक्वलिटीज मतलब कि एक तरफ तो काफ़ी अमीर लोग हैं और एक तरफ काफ़ी गरीब लोग हैं। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th सेंचुरी ऑफ शाहजहां रेन इन्फॉर्म दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 445 इन नंबर आउट ऑफ टोटल 8000। तो कहा जा रहा है कि जैसे शाहजहां के समय का एक डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि 8000 में से मात्र 445 ऐसे स्टाफ थे जो हाई रैंकिंग के थे। द स्मॉल नंबर ऑफ 5.6% ऑफ द टोटल नंबर मनसबदार रिसीव 61.5% टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। तो जब मात्र 5.6% मनसबदार को जो है 61% से ज़्यादा सैलरी दिया जाता था, तब देख सकते हैं इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा था, कम लोगों के पास ज़्यादा धन था। द मुगल इंपेरियर एंड देयर मनसबदार स्पेंट अ ग्रेट डील फॉर देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड। मुगल इंपेरियर और मनसबदार जो भी थे अपना जो भी इनकम था उसका ज़्यादा सैलरी पे खर्च करते थे। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम विद गुड एंड प्रोड्यूस। तो कहा जा रहा है कि इस पेमेंट का वो खर्च कहाँ करते थे, तो उससे नए नए आर्टिस्ट को मतलब पैसा देकर के उनसे पेंटिंग बनवाते थे, उनसे और भी कई तरह के मतलब कि खरीदते थे, कुछ आर्ट वर्क खरीदते थे।
बट द सेल स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर द पीजेंट एंड द आर्टिसन द पोरेस्ट अमंग देम लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसीडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्स टूल्स एंड सप्लाई। तो कहा जाए लेकिन जो पीजेंट होते थे और भी कई तरह के आर्टिसन होते थे उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नए नए औजार खरीदने के लिए उनके पास काफ़ी मतलब पैसा नहीं हुआ करता था। बहुत मुश्किल से जो है अपना वो खाना जुटा पाते थे, मतलब अपने हाथ से जो है अपने मुंह के लिए भोजन बहुत मुश्किल से जुटा पाते थे। यहाँ पे कहा गया है द वेल्दियर पीजेंट्री एंड आर्टिसन ग्रुप्स द मर्चेंट एंड बैंकर प्रोहिबिटेड इन द इकोनॉमिक वर्ल्ड। लेकिन जो अमीर पीजेंट्री थे, अमीर किसान थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट के ग्रुप थे, ये लोग काफ़ी बेनिफिट होते थे। द इनॉर्मस वेल्थ एंड रिसोर्सेज कमांडेड बाय द मुगल इलाइट मेड दम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल इन द लेट 17th सेंचुरी। तो काफ़ी ज़्यादा वेल्थ होने के कारण और मुगल इंपेरियर का मतलब कि मुगल बादशाह का संरक्षण प्राप्त होने के कारण वे लोग काफ़ी पावरफुल साबित हुए। एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल इंपेरियर स्लोली डिक्लाइंड ही सर्वेंट इमर्ज एज अ पावरफुल सेंटर ऑफ इन द रीजन। तो कहा जा रहा है कि जैसे जैसे मुगल इंपेरियर धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ तो उसके जो सर्वेंट्स थे यानी कि जो मुगल इंपेरियर की सेवा करते थे वे लोग खुद अब आजकल मतलब कि पावरफुल बन गए क्योंकि उनके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा था। दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंस लाइक हैदराबाद एंड अवध। तो कहा जा रहा है कि नए नए प्रोविंस बनाने लगे और हैदराबाद और अवध जैसे प्रोविंस का मतलब कि अलग क्रिएट किया गया। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज मुगल इंपेरियर दिल्ली एज देयर मास्टर। हालांकि अलग प्रोविंस बनाने के बावजूद भी दिल्ली में अपने आप मतलब कि दिल्ली के मुगल इंपेरियर को अपना मास्टर के रूप में मानते थे। बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंस ऑफ एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज। हम लोग आगे के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एल्सेवियर में हम लोग को आज पढ़ना है। देर वर सेवरल ग्रेट मोनार्क ऑल नियर कंटेम्पररीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन 16th सेंचुरी। कहा जा रहा है कि डिफरेंट यहाँ पे सेवरल कई तरह के मोनार्क थे, ठीक है, और कंटेम्पररी मतलब कि एक ही समय के यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एक समय में जैसे जिस समय इंडिया में अकबर था तो दूसरे जगह कहीं और कोई और था। दिस इंक्लूडेड द रूलर ऑफ ऑटोमन तुर्की। तो जैसे यहाँ पे आज तुर्की की बात किया जा रहा है, टर्की जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का राज था सुल्तान सुलेमान 1520-1526। ड्यूरिंग हिज रूल ऑटोमन स्टेट एक्सटेंडेड इन यूरोप सीजिंग हंगरी एंड बेस्टिंग ऑस्ट्रिया। तो कहा जा रहा है कि ऑटोमन एम्पायर जो है काफ़ी बड़ा एम्पायर हो गया था इसके शासनकाल में, सुल्तान सुलेमान के शासनकाल में हंगरी जो आज यूरोप में है और ऑस्ट्रिया जो यूरोप में वहाँ तक सीज हो चुका था इसके शासनकाल में। हिज आर्मीज ऑल्सो सीज्ड बगदाद एंड इराक और बगदाद को भी कैप्चर किया। मच ऑफ नॉर्थ अफ्रीका ऑल द वे टू मोरक्को एक्नॉलेज्ड ऑटोमन अथॉरिटी। तो मोरक्को तक फिर नॉर्थ अफ्रीका भी ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। सुलेमान ऑल्सो रिकंस्ट्रक्टेड द ऑटोमन नेवी। सुलेमान के द्वारा ऑटोमन नेवी क्रिएट किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब दोबारा उसको बनाया गया। ई डोमिनेशन ओवर द ईस्टर्न मेडिटेरियन ब्रॉट द नेवी इनटू कंपटीशन विद स्पेन। तो कहा जा रहा है कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में अपना नेवी को डोमिनेट कराने के चक्कर में स्पेन के साथ कंपटीशन किया। इन द अरेबियन सी चैलेंज द पुर्तगीज। अरेबियन सी में पुर्तगीज को चैलेंज किया कौन, तो ऑटोमन एम्पायर। द मोनार्क वाज ऑल्सो गिवन द टाइटल ऑफ अल कुआनी यानी कि लॉ गिवर बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ रेगुलेशंस पास ड्यूरिंग हिज रेन। तो कहा जा रहा है कि ये जो सुल्तान था इसको अल कानूनी, ठीक है, अल कानूनी का भी यहाँ पे एक टाइटल दिया गया उसको। अल कानूनी कहने का मतलब हुआ लॉ गिवर, ठीक है, यानी कानून देने वाला, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारे कानून पास किए गए थे। दिस वेर एम टू स्टैंडर्डाइज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। और कानून मेनली किस लिए था, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है उसके देश का, उस कंट्री का, वो मतलब कि स्टैंडर्डाइज किया जाए, एक जैसा किया जाए थ्रू आउट द एक्सपेंडिंग डोमेन्स ऑफ द एम्पायर। और लेटर इन द 17th सेंचुरी व्हेन पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइन इन ऑटोमन डोमेन्स द रेन ऑफ सुलेमान कानूनी वाज रिमेंबर्ड एज ए पीरियड ऑफ आइडल गवर्नेंस। कहा जा रहा है कि जैसे नेक्स्ट मतलब कि बाद में 17th सेंचुरी में जब पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइन किया ऑटोमन डोमेन में, मतलब ऑटोमन एम्पायर में जिस तरीके से वहाँ पे पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइन किया तो उस समय सुलेमान कानूनी का काफ़ी ज़्यादा याद किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे और भी आप फाइंड आउट मोर अबाउट अकबर कंटेम्प्रेरी और कौन कौन थे। तो ब्रिटेन में देखा जाए तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी 1558 से 1603 तक। सफाविद खान थे, सफाविद रूलर ऑफ ईरान, शाह अब्बास एंड द मोर कंट्रोवर्शियल रशियन रूलर जार इवान फोर, ठीक है। तो ये जो थे मतलब कि अकबर के कंटेम्प्रेरी थे, कंटेम्प्रेरी मतलब उसके शासनकाल में साथ थे, मतलब कि जिस समय यहाँ पे अकबर था तो उस समय कहाँ ईरान में कौन था, रसिया में कौन था, यहाँ पे दिखाया गया। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपके लिए होमवर्क ये है कि ये द मैच द फॉलोइंग जो यहाँ पे है, ठीक है, कि मनसब मंगोल सिसोडिया राजपूत राठौर राजपूत नूरजहाँ और सूबेदार, और इधर में मिलाने के लिए है मरवाड़ गवर्नर उज्बेक मेवार रैंक और जहांगीर, ठीक है, इसको मिलाइए। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इसका भी क्वेश्चन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स को भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।